हमारे प्रभारी साहब ने इन्होंने आदेशित किया है, तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करने का मुझे और ज्यादा अवसर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और हमें ये भी खुशी है कि हमारे साथी मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई टीकाराम जूली जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और हमारे प्रभारी जी को भी उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी वापिस कंटिन्यू करने के लिए जो पार्टी हाईकमान ने फैसले लिए हैं, मैं हम सब लोग हमारे जो उत्तरदायित्व हमको दिया गया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जनता की सेवा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और विधानसभा और सड़क और सदन दोनों जगह पर जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरी एकजुटता के साथ में काम करेंगे। जनता को कैसे राहत मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, और जो जन कल्याणकारी जो हमारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार की पिछले 5 साल रही हैं, उनको ये बंद नहीं कर पाए, उनको और ज्यादा मजबूत करें, ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। मैं समझता हूं कि पार्टी ने हम तीनों पे जो भरोसा किया है उसके ऊपर हम लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहाँ से भारी संख्या में जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएंगे और हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सर, आपके करीब 20 सवाल सूचीबद्ध हुए हैं और सवाल ज्यादातर पिछले सरकार की योजनाओं से क्या रणनीति रहने वाली है सदन के अंदर? देखिए, वो हमारी कांग्रेस की योजनाएं जरूर है, लेकिन वो जनता के लिए है, जनता के हित की योजनाएं हैं। तो हमने सरकार से ये पूछा, क्योंकि सरकार ने जो पर्ची सरकार है, और खुद अब तो घनश्याम तिवाड़ी जी ने सदन से ये कह दिया जो राज्यसभा के मेंबर है कि ये पर्ची से बनी हुई सरकार है और उन्हीं के नेताओं की चेहरे की हवाएं उड़ाने का उस पर्ची ने काम किया है, तो अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया है कि ये पर्ची सरकार है, दिल्ली से जो पर्ची आई उसके आधार पर सरकार बनी है, तो इसलिए कोई काम नहीं किया। और धीरे धीरे जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं उनको निकाल दिया, धीरे धीरे चिरंजीव योजना के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या बयान दिया कि इससे फर्जी कोई योजना नहीं हो सकती, 5 लाख और 8 लाख की बात कर रहे हैं, हम तो 25 लाख की, वो कह रहे हैं किसी को नहीं मिला। मैं एक नहीं, 50 केस मेरे संज्ञान में है, वो मेरे सामने बैठ जाए, मीडिया के सामने बैठ जाए, मैं बता सकता हूँ कि 8 लाख से ऊपर इतनी इतनी इंडियन लोगों को लाभ मिला है। 15-15 लाख रुपए तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को हमने दूसरे स्टेट में लाभ दिलाया, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। मैं समझता हूं कि ये जो इनकी जो गलत नीति है कि वो केवल हमारी अच्छी योजनाओं को बदनाम करके अपनी चमक दिखाना चाहते हैं, तो उनका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। इसलिए हमने इनसे स्पष्ट पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप सरकार की मंशा क्या है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को ये चालू रखेगी, मजबूत करेगी या इनको बंद करेगी? डोटासरा जी, दलित चेहरे को लेकर के बड़ा ट्रंप कार्ड खेला है कांग्रेस ने 2024 के गठबंधन जीतने के लिए, क्या तस्वीर है? देखिए, 36 कोमों को साथ लेकर के चलती है, जूली साहब का बहुत ही मेरिट के आधार के ऊपर निर्णय हुआ है पार्टी आलाकमान ने, और हमारे प्रभारी जी ने जो देखा पिछले 5 साल जिस प्रकार विधानसभा में इनका परफॉर्मेंस रहा, जिस प्रकार सवालों को ये जवाब देते थे, जनता के मुद्दे की बात करते थे और चुनाव जीत करके जिस तरीके से आए थे, तो मेरिट के आधार के ऊपर प्रभारी जी ने पार्टी आला कमान हाई कमान से बात करके और इनका चयन किया गया है। 36 कोमों को साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग सिपाही हैं, इसलिए उसी हिसाब से हम लोग उसी रीति नीति से काम करेंगे।